लेजेंड मेजर मोहित शर्मा, अशोक चक्र। हमने दो मिल्टन ठोके थे, उसने भी दो मिल्टन ठोके थे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, उसका अलग ही ऑपरेट करने का हिसाब किताब था। वो तो बिल्कुल ही कोवर्ट में फिरन पहन के बाहर निकला रहता था खबर वबर जुटाने के लिए पूरे टाइम। और उसके जो टीम लीडर थे उन्होंने भी उसको खुली छूट दे रखी थी, भाई तू कर अपने तरीके से काम, क्योंकि ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एंड टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इंस्टिंक्ट थे, दूसरा उसने अपने आप को ट्रेन भी बहुत ज्यादा किया था। वो क्या कहते हैं, पूरे टाइम रेडियो सिग्नल रूम में बैठा रहता था उस टाइम, क्योंकि मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तो रेडियो कम्युनिकेशन ओपन फ्रीक्वेंसी होती कई बार, उसमें आप बहुत सारा टेरिस कम्युनिकेशन सुन सकते हो। तो वो किस तरीके से बातें करते थे, क्या करते थे, तो और वो उसको चीजों को लिखा करता था, फिर उसकी प्रैक्टिस किया करता था। और हमें नहीं, किसी ने भी ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि अ डे विल कम कि ही विल बी एबल टू इंटरेक्ट सो फ्लुएंटली विद दोस टेररिस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज। पर उसकी अपनी मेहनत थी, उसका एक अलग ही जो एक्सीलेंस का जो पैमाना था वो बहुत ज्यादा था इस फील्ड में। एक्सीलेंस के पैमाने तो जो स्पेशल फोर्सेज में सारे हैं, और शायद अभी चीजें और भी आगे बढ़ जाएंगी, पर तब कोवर्ट शुरू नया मतलब हो ही रहा था शुरू। और कोवर्ट बहुत डाइसी है, अगर आपने केवल टेररिस्ट की तरह चलना सीख लिया, बॉडी लैंग्वेज सीख ली, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि कई बार हमारे साथ लोकल चला करते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपकी तरह से कन्वर्स किया करते थे, आप पीछे रहते थे। और मेन काम कोवर्ट का वॉज टू गेन इन्फॉर्मेशन, नॉट टू सीक कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट हो जाए तो ठीक है, वो अलग बात है, पर दैट वॉज नॉट द प्राइमरी एम। पर इसका तो बहुत ही ज्यादा वो हिसाब किताब था, और जो इसने सीखा, जो इसने इतना ट्रेन किया, जो अपनी प्रैक्टिस करी, वो बाद में तो जो उसका लास्ट टेन्योर था उसमें तो ही वॉज अ मास्टर, नोबडी कुड बीट हिम, नोबडी कुड फाइंड आउट दैट ही इज अ फौजी एंड नॉट अ टेररिस्ट, ही वॉज सो ऑथेंटिक। और ये उसने एक्चुअली एस एस में आने से पहले से ही शुरू कर दिया था, जब वो RR में था अपने पहले टेन्योर से। तो ऐसा नहीं कि वो स्पेशल फोर्सेज में आया, उसने हमारी ड्रिल्स देखी, हमारी ट्रेनिंग देखी तो वो इम्प्रेस हुआ, फिर ना, वो उसने पहले से शुरू कर दिया था। ये सर तो मतलब आप दोनों को साथ में कोई ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिला? ना, साथ में हमने ऑपरेट नहीं किया, पर एक ही टेन्योर में हम लोग साथ हमेशा रहे, पर अलग अलग टीमों में रहे। मैं अपनी टीम लीड कर रहा था, वो अपनी टीम लीड, और एज लक वुड हैव इट हमारे एनकाउंटर बहुत एक साथ होते थे। जब हमारा सेकंड लास्ट टेन्योर जो वैली का था, जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमें पता नहीं था, सेम ही दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने दो मिल्टन ठोके थे, उसने भी दो मिल्टन ठोके थे। और वो जब सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके बाद पता चला कि तो ये बहुत बड़े जश्न की बात होती है यूनिट में पहला कॉन्ट्रैक्ट होना ना, क्योंकि आप थोड़े टाइम के बाद गए हो, स्पेशली जैसे वन तरह डिप्लॉयमेंट पर जाती है नदन कमांड की, तो 409 है स्पेशल फोर्सेस, वो तो परमानेंटली उनका चलता रहता है इधर उधर, हम लोग जाते हैं बाद में। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा से वो रहता है, क्योंकि आप थोड़े टाइम के बाद वैली में आ रहे हो, है ना, बंदों की ड्रिल्स सब, वो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो इट्स ऑलवेज अ बिग दिस थिंग कि टू ओपन द अकाउंट ऑफ द बटालियन, और हमारा एक दिन ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इट वॉज अ बिग थिंग। फिर हमने खूब पार्टी शार्टी उसके बाद एक साथ मिलके, ज्यादा दूर तो थे नहीं, 50-60 किलोमीटर का अंतर था, तो वो हम ड्राइव करके जाते रहते थे मिलने एक दूसरे से। और वो बहुत ही ज्यादा गो गेटर बंदा था, उसमें ये नहीं था कि यार ये काम नहीं हो सकता, उसमें कभी कुछ नहीं था ऐसा कि मतलब उसको अगर कुछ लगा कि करना है तो वो मतलब करना है, उसमें कोई शक किसी तरीके का, चाहे वो फिजिकली केपेबल हो या नहीं हो, या उसमें केपेबिलिटी है या नहीं है, वो उसके दिमाग में शक नहीं आता था। मेरे दिमाग में होता है, मैं रिस्क सोच समझ के लेता हूँ, मैं ऐसे अंधी रिस्क नहीं लेता हूँ कि यार पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। मैं थोड़ा प्लानिंग के साथ करता हूँ, इवन मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, प्लानिंग है बहुत सारी उसके पीछे। पर उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें था इनहेरेंट था, एक तो उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा थे कि आप दो तरीके से ऑपरेट करते हैं, अच्छे ऑपरेटिव दो तरीके के होते हैं, एक बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं और एक बहुत प्रिपरेशन वाले होते हैं। तो वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था इंस्टिंक्ट और प्रिपरेशन का, उसमें नैक का बहुत ज्यादा, ऑपरेट करने का, टेररिस्टों को ढूंढने का, खबर निकालने का। खबर निकालना सबसे बड़ा पूरा गेम खबर का है, क्योंकि ड्रिल्स आप परफेक्ट कर लेते हो ना, एक बार टेररिस्ट घर के अंदर फंस गया तो फिर तो उसके बाद ड्रिल्स हैं, अनटिल अनलेस कोई ज्यादा कैजुअलिटी हो गई, तो स्टैंडर्ड ड्रिल्स हैं, फौज की बड़ी सेट है। पर वो पता लगाना कि साला बंदा है क्या, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसमें वो बहुत आगे था। हाँ, तो वो था भी बहुत बड़ा नौटंक, ये मतलब जो मिमिक्री की जो बात कर रहे हो ना, मतलब उससे बड़ा नौटंक हमारी पलटन में कोई था नहीं। और भयंकर गाने वाने का, अमिताभ बच्चन का सुपर फैन था वो, एंड ही वॉज अ लाइव वायर सारी पार्टीज में। और हमारा फौज में इन जनरल भी NDA के टाइम से ही ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया बहुत फेवरेट गाना है, जब भी पार्टी खूब चलती है, दारू पी रखी लोगों ने, उसके बाद ये गाना शुरू हुआ करता था। और वो हमेशा से लीड सिंगर रहता था, एंड ही न्यू हाउ टू, मतलब ये जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग गिटार, पर उसको गिटार बजाना तो कम ही आता था, पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कुछ भी बजाता रहता था। तो और वैसे भी इतने पार्टी का जब सीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कैसा बज रहा है क्या, तो गाता भी बहुत अमेजिंग था। ही वॉज एब्सोल्यूटली फुल ऑन, जो जिंदगी बोलते हैं ना, कि जो बहुत ही जोश जरूरत से ज्यादा ही भरा हुआ था उसमें हर चीज में।
तो इस तरीके से, और वो उसके ऑपरेशन में भी झलकता था। मेरी दोस्ती मेरा प्यार।